बहुत अजीब लग रहा है ऐसा कैब बाइक कर रहा है ना अशु ये है हमारे बनी भाई की गाड़ी। फिलहाल बनी भाई ने थोड़ा एक बार शॉकअप वगैरह लीक हुआ है गाड़ी का, लास्ट टाइम एक महीना हुआ है ना शायद आपको, हाँ एक दो महीना हो गया रिपेयर करवाया था, देन इसके बाद फिर से वापस उनका शॉकअप जो है आगे के दोनों लीक हो गया। सो जैसा आप देख सकते हैं ये दोनों के दोनों शॉकअप जो है वो लीक हो गया, तो जिसकी वजह से उनका जो शॉकअप वाले उनके ब्रेकिंग्स पे जो डिस्प्ले वगैरह है उस पर आ रहा है और गाड़ी भी जो है काफ़ी बम्प कर रही है, जैसे डबल ट्रिपल बैठा होगा तो सीधा नीचे दब जाए, ब्रेकर्स वगैरह काफ़ी कैच हुई है। तो अभी देखते हैं फिलहाल शॉकअप खोल के क्या हुआ है, जितनी खाद खटा है ऑरिजिन फटी है ऐसा भी रहेगा, बनी भाई को हम बताएंगे और बनी भाई को इतना बड़ा खर्चा रहेगा। देख सकते हो दोनों के दोनों शॉकअप जो है वो लीक है, सो अभी हम करेंगे इनको रिपेयर, तो आप देखते हैं क्या हुआ है एग्जैक्टली इसके अंदर ऑयल चेंज पट्टी की शॉकअप का। बहुत अजीब लग रहा है ये बाइक कर रहा है ना अशु पकड़ लिया था या तो इसमें थोड़ा बहुत पानी चला गया रहेगा, जिसकी वजह से क्योंकि शॉकअप में अगर आपके पानी गया तो भी चांसेस है वो लीक करता है। तो जैसे आप रॉड देख सकते हो शॉकअप का काफ़ी क्लीन है, कहीं से मार्किंग्स के निशान तो फिलहाल नहीं है इसमें, मतलब ये रॉड आपका सही है, ये सही है। तो ज़्यादातर कैसा होता है कोई कोई शॉकअप रॉड पर यहाँ पे आप मार्किंग के निशान देखते हो या फिर यहाँ से थोड़ा काला पड़ जाता है, मतलब वो रॉड आपका ख़राब हो चुका है। जैसे ये रॉड को मैंने क्लीन किया तो इसमें आपको कहीं कट या मार्क्स नहीं दिख रहा, यहाँ इतने एरिया में ये हमारा वर्किंग एरिया और ये जो है हमारा ऊपर जो रॉड्स में फिट होता है जैसे नारी की प्लेट में फिट होता है, तो यहाँ पे अगर कुछ मार्किंग है तो वो शॉकअप रॉड चलता है, बट यहाँ साइड में नीचे जहाँ पे हमारा ऑयल फिल का एरिया है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इस एरिया तक अगर कुछ मार्किंग आपको दिखती है तो वहाँ पे आपको ये चीज़ जो है चेंज करना पड़ेगा, मीन्स आपको आपका शॉकअप रॉड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्किंग आई मतलब आपकी जो ऑयल सील है वो बार बार फटती जाएगी, क्योंकि ये कांस्टेंट रनिंग प्रोसेस होता है, ये बार बार अप डाउन शिफ्ट होता है, अगर इसके बीच में मार्किंग है थोड़ा बहुत कटा हुआ रहता है तो वो ऑयल सील फाड़ देगा। सो इसलिए जब भी आप शॉकअप रिपेयर करो या किसी से भी रिपेयर कराओ तो यहाँ पर मार्किंग चेक करो, नहीं तो आप बार बार आपकी ऑयल सील डलवाते रहोगे आपका पैसा वेस्ट होगा। तो भाई मतलब पानी जाने की वजह से थोड़ा इशू होता है, पानी जाने की वजह से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कभी जैसे शॉकअप में मेरे पानी चला गया तो आप देखोगे पानी जो है वो वाटर ज़्यादातर एयर का मिक्सचर रहता है, मतलब अगर H2O रहता है तो उसमें जो एयर है वो बाहर निकलने को देखती है क्योंकि एक जगह पे वो ट्रैप्ड हो जाती है, उसको कहीं अंदर या बाहर जाने के लिए कोई स्पेस नहीं, और मैं ऑयल और पानी मिक्स करूँगा तो वो कोई मिक्सचर नहीं बनता, वो दोनों हमेशा अलग ही रहते हैं, तो उसकी वजह से एयर हमेशा बाहर निकलने की ट्राई करती है,
जिसकी वजह से ये जो शॉकअप है वो कहीं ना कहीं से तो लीक करता है कि एयर को निकलने के लिए स्पेस चाहिए। एयर हमेशा कभी भी आप याद रखना, कहीं भी अगर आपके शॉकअप में एयर फंस गई है, या तो आपका शॉकअप इतना टाइट हो जाएगा कि वो पंप ही नहीं करेगा, या तो फिर वो यहाँ से जो आपका नट होता है वो बाहर फेंक देता है। काफ़ी केसेस हो चुके हैं, मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 केसेस देखा है कि रनिंग गाड़ी में जो नट है आपका निकल के बाहर चला गया जस्ट बिकॉज ऑफ एयर। सो हमेशा शॉकअप जो है आपका 10,000 किलोमीटर पर सर्विस करा लीजिएगा। कोई भी शॉकअप है बेसिक इंजन इसका, जैसे आप हम गाड़ी का इंजन ऑयल वगैरह चेंज करते हैं वैसे शॉकअप का ऑयल भी चेंज करा गया, मोस्टली 10,000 किलोमीटर पर तो चेंज करा ही लीजिए। अगर शुक्रिया भाई, अच्छा इन्फॉर्मेशन। सो गाइज मे बी आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन होगी और इन्फॉर्मेटिव होगी। सो कुछ काम होगा तो केव भाई को कांटेक्ट कीजिए, उसका नंबर मैं दे दूंगा। कौन सा आपके आप जो ये वाला और ये वाला? कॉलेज के सबसे बड़े जयेश पाटिल विभूते, सॉरी जयेश विभूते, वो जयेश पाउडर बोलते थे क्योंकि शक्ल ही पाउडर वाली है उसकी। भाई सो ये जो रॉड होता है ये सेकेंडरी स्प्रिंग टाइप होता है, जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर भी एक छोटा सा स्प्रिंग है, तो ये जो स्प्रिंग है ना हमारे शॉक ये फिर आ गया इसमें तो पाउडर बोलते हैं हम इसको। गणेश भाई जरा स्प्रे दो ना थोड़ा सा। उसके अंदर जैसे आपने देखा स्प्रिंग रहती है, तो वो स्प्रिंग जो है डबल जैसे डैम्पर करती है, मैं थोड़ा बहुत भी उसको पुश करूंगा ना नीचे तो थोड़ा पुश होगा, तो वो डैम्पिंग के लिए रहती है। एक वो बड़ी मेन स्प्रिंग होती है और एक छोटी डैम्पिंग स्प्रिंग होती है, तो ये इसके ऊपर का डिस्टेंस कवर होता है। फिर उसके बाद अभी मैं शॉकर लगाने जा रहा हूँ, वो देना स्प्रिंग साफ करके क्या स्प्रिंग देना गाड़ी अच्छा है और कुछ चाहिए तेरे को बोल अभी बोल और कुछ चाहिए। तो ये भी आप देख सकते हो ऑयल जो भी इसमें लगा था वो बाहर आ गया, यानी ऑयल चीज जो मेरा है वो प्रॉपर वर्क कर रहा था, क्योंकि अभी जैसे मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाया था अभी मैंने उसको डैम्प किया, वो जो मेरा डैम्पिंग है देख सकते हो आप बाहर आ गया, मीन्स मेरी जो ऑयल सील है वो परफेक्ट था। मीन्स अभी फिलहाल कोई लीकेज का ऐसा कोई चांस नहीं है, क्योंकि जैसे आप देख सकते हो अभी ये मैंने थोड़ा सा उस पर ऑयल लगा दिया बराबर, जब मैं ऐसा इसको नीचे ऊपर करूँ आप देख सकते हो ये जो ऑयल है वो बाहर आ जाता है उसमें से, सो दैट मीन्स मेरी जो ऑयल सील है वो परफेक्ट। उल्टी सीधी याद से डालो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा टेंशन था, नीचे मेरी स्प्रिंग जो है वो नीचे जाएगी, फिर उसके ऊपर जैसा आपने देखा था एक वॉशर था, तो पहले मैं इसमें ऑयल वगैरह फिल करूँगा उसके बाद ये वॉशर वगैरह रख के टाइट करूँगा। सो करते हैं लॉक, सबसे पहले ये जो लॉक है ये याद से लगाओ क्योंकि ये ऑयल सील का लॉक होता है, अगर आप ये लॉक नहीं लगाओगे तो रनिंग में मोस्टली आपकी ऑयल सील जो है वो बाहर आ सकती है। सो
अभी जो है इसमें फिलहाल हम डाल रहे हैं एक बोतल, पहले एक बोतल डाल के चेक करेंगे कि इसका पंपिंग और डैम्पिंग कर रहा है। सकते हो अब ये पूरा भर गया, मीन्स ये मैंने जो ऑयल है इसमें काफ़ी डाल दिया, देख सकते हो ये मेरा जो ऑयल है पूरा लेवल तक आ चुका है, जैसे आपको दिख रहा होगा। सो अभी मैंने इसको ऊपर किया, अब मैं इसमें डैम्पिंग वगैरह चेक करूँगा कि कितना डैम्प हो रहा है नहीं हो रहा है। हाइट ऊंचा है ना, बस गाने का नजर ना लगे गाने की स्माइल पे फिदा अपन। भाई चला के देखो ना भाई, तुम जाके आओ। हाँ मैंने तो गाड़ी तो बना दी है, सस्पेंशन आ गया, देखते हैं। तो हे गाइस, मैं अभी यहाँ पे आया था, कैब भाई के पास ही था, सर्विसिंग हो गया, सर्विसिंग हमारा हो गया गाड़ी का। तो जो सस्पेंशन था कैब भाई ने काफ़ी बढ़िया से बनाया और अच्छे प्राइस में दिया मेरे को। सो आई होप आपको भी पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी को कुछ कमेंट्स या कुछ इशू आता है शॉकअप से रिलेटेड, तो आप बेशक किसी भी कमेंट्स में या कॉल करके पूछ सकते हो कि क्या रिलेटेड इश्यूज है, क्यों लीक कर रहा है, या कुछ भी रिलेटेड गाड़ी के इशू दे सकता है, आप पूछ सकते हो आराम से। देन इसलिए हमने अभी थोड़ी हाइट भी अपलिफ्ट करी है, ताकि जो हमारे जो नॉर्मल जैसे मुंबई में आप इंडिया में रहते हो तो सबको मालूम है व्हीकल बहुत ज़्यादा हाइटेड भी रहते हैं कई पे, तो अभी इनकी थोड़ी हाइट भी हमने बढ़ा दी है, ताकि इनके जो नीचे के स्पीड ब्रेकर्स है वो नहीं लगे। क्योंकि मैंने जब गाड़ी देखा तो नीचे से थोड़ा बैली घसा हुआ दिखा मेरे को, मैंने थोड़ा अपलिफ्ट कर देते ताकि वो परफेक्ट फिट रहे, ब्रेकर्स पर ज़्यादा टच ना हो। तो बनी भाई हाइटेड थी, हाँ हाइटेड भी काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी में और पहले से थोड़ा अच्छा है। सो मेरे अंदर से मतलब कैब वाले ने जो काम किया ना गाड़ी का, बहुत सही काम किया है। सो आई होप, और सर्विस भी मेरे को काफ़ी अच्छी मिली है कैब भाई की तरफ से, और बहुत अच्छे प्राइस में कैब भाई ने मतलब एक प्रॉपर एक अच्छा डिस्काउंट दिया। तो होप गाइस, जो कोई भी बंदा R15 का सर्विस चाहता होगा अच्छे प्राइस में, अच्छी वेल सर्विस अगर किसी को करना होगा R15 का, तो शिव बाइक सॉल्यूशन में अपना कैब भाई से मिलो, आपको बेस्ट प्राइस में आपकी गाड़ी सर्विस होकर मिल जाएगी।